हाय गाइस, आज के कौन खतरनाक वीडियो के साथ वापस। आज मैं आपको बताऊं तो आज हम बनाने वाले इंडियन मैक्स ड्राइविंग 3D के अंदर एक न्यू ट्रेन स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं। वीडियो को बड़ा से लाइक कर देना, अच्छा बना हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। जैसा की आपने देखा होगा, फर्स्ट हमारा ये वाला रेलवे स्टेशन होता है तो इसमें रह रहे का बोर हो चुके हैं, तो आज हम अपना खुद का रेलवे स्टेशन बनाने वाले हैं, वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक, और वो आपको लास्ट में देखने को मिलने वाला है। भाई वीडियो को लास्ट तक की देखना, बड़ा वीडियो को लाइक कर देना, चल बनाओ तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सो ऑलराइट गाइस, आप लोग देखोगे तो मैं आज कहूँ ट्रैक पर, और ट्रैक के साइड में ही हम रेलवे स्टेशन बनाने वाले हैं, और इधर भी बनाएंगे उधर भी बनाएंगे और ऊपर से एक भाई साहब निकालेंगे जैसा पिछले वाले रेलवे स्टेशन में नहीं है। तो चलो सबसे पहले तो हम फ्लोर बना लेते हैं। ये हम बना रहे कंटेनर से, तो चलो फटाक से इधर कहीं भी बना लेता हूं। जिससे कि मैं छत पर आ सकूं, आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर प्लर के लिए लाइटें की जरूर ले ली है। यहाँ पर भाई हमने लाइटें लगा दी है, उनसे हमने बना दिए प्लर, और इन्हीं पे हम बनाने वाले पूरी की पूरी छत इंडियन मैट ड्राइविंग 3D के अंदर। भाई रेलवे स्टेशन के अंदर छत भी तो होनी चाहिए, पता चला पानी बरस रहा है तो अंदर, तो गाइस इसीलिए हम छत बनाते हैं फटाक से। और यहाँ पर हम ये वाले खंबे लगाने वाले हैं यार, क्योंकि ये सही लग रहे हैं, सिंपल लग रहे हैं। वैसा लग रहा है कि लाइटें ही लगा दी यहाँ पर, ये लाइटों की जैसे नहीं लग रहे, क्योंकि इनकी लाइट जो है वो अंदर कंटेनर के चली जाती है। तो चलो भाई ये सही है। ऑलराइट भाई, अब तो काफी ज्यादा मस्त लग रहा है, तो आगे वो तो प्लर बना रखे, इन पर भी हम वही वाली लाइट लगा देते हैं, और उसका चिट कोड होना है P1 इन लाइटों का, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको सारे चिट कोड जानने हैं तो मैंने वीडियो बना रखी, आप लोग देख सकते हो। अगर नहीं जाननी है तो भाई मत देखो, बिल्कुल भी कति नहीं देखना आपको। तो चलो फटाक से बनाते इसको। ऑलराइट यार, मैंने अभी कंप्लीट कर दिया, आप लोग देख सकते हो क्या खतरनाक लग रहा है। एक साइड का भी कंप्लीट हो चुका है, फुल्ली छत भी बना दी है और नीचे फ्लोर भी बना दिया है, और अभी हम यहाँ पर सीढ़ियां वगैरह भी बनाने वाले हैं। और वो कैसे बनाने वाले भाई मैं आपको बताऊंगा क्या भाई, दिखाई दूंगा। आप लोग ये साइड में देख पा रहे ना, नीचे रखे हुए हैं, इनसे हम बनाने वाले सीढ़ी। जी हाँ दोस्तों यार, उनके ऊपर चढ़ के उधर भी साइड को तो जाएंगे, मान लो ट्रेन खड़ी है, मैं कैसे जाऊंगा, इतना घूम के पीछे से जाऊंगा क्या, इसीलिए हम बनाने वाले सीढ़ी। और सीढ़ी से हम चले जाएंगे उस साइड में, मान लो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे चले जाएंगे, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ जाएंगे। तो चलो फटाक से मैं यहाँ पर सीढ़ियाँ बना देता हूँ। एक साइड की यार, अभी दोनों साइड में बनाएंगे, और ये काफी ज्यादा ही मस्त लग रही है भाई। अरे गिर क्यों पड़ा। तो भाई साहब लोग तो सीढ़ियां बना दिया, और अभी हम सीढ़ियों से इधर आने के लिए बनाएंगे ये। आप लोग देखोगे तो यहाँ पर मैं पहले तो कंटेनर को स्पॉन कर देता हूँ ताकि अच्छा दिखना चाहिए। भाई यहाँ पर मैं कंटेनर लगाऊंगा और इस पे चलने के लिए एक ग्रास वाली प्लेट लगाऊंगा, यहाँ पर वो ग्रास वाली होती नहीं है उसको भी लगाऊंगा। तो चलो फटाक से लगा कर दिखाता हूँ, ठीक है। सो ऑलराइट, ये रही वो ग्रास वाली प्लेट, और इसी को हम लगाने वाले हैं, लेकिन लगाने के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। तो चलो फटाक से गाइस अभी ऊपर चल के इसको सेट कर देता हूँ। ऑलराइट, मैं भी आज का ऊपर यार कंटेनर क्यों जाता है यार यहाँ पर मैं। हाँ तो गाइस इसी को भी लगाने वाले हैं, और इधर से उधर के लिए जाने के लिए इसी का इस्तेमाल करेंगे, और नीचे होगी ट्रेन, और हम ट्रेन के ऊपर से निकल जाएंगे। तो चलो फटाक से मैं इसको बना लेता हूँ। मैंने ना उधर छत बना दी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पर, अभी हम बनाने वाले सेकंड फ्लोर पर भी छत, और आप लोग देखोगे ये भी कंटेनर से ही हम बनाने वाले हैं, और इसको बनाने में काफी ज्यादा टाइम भी लगता है और सेटिंग करनी पड़ती है इसकी यार। तो चलो फटाक से मैं इसको बनाता हूँ, और ये मैंने एक और मंगाया, अरे यार इसको नहीं मंगाना था। चलो फटाक से मैं इसको भी ऊपर कर देता हूँ, और मुझे ना भी पीछे भी ये कंटेनर लगाना है, येलो कलर का लगाएंगे ठीक है, ताकि मस्त लगे और पता चले कि हाँ इधर से इधर निकलना। अरे आप लोग समझेंगे नहीं, चलो बता देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ, पुल्ली बनाकर आपको दिखाता हूँ। So, all right, guys, आप लोग देख सकते हो अभी मैंने ना एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म
तुम जाने वाली रास्ता बना दिया है और मैं भी ट्रेन को पीछे कर देता हूँ ताकि मैं आपको वो दिखा सकूं कि उधर खाली सीढ़ियां जो है वैसी भी इधर वही बनाने वाला हूँ। आप लोग देखोगे सामने जो सीढ़ियां आपको दिख रही है वो सीढ़ियां इधर भी बनाने वाला हूँ और इन्हीं से बनाने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हो मैंने स्पॉन कर रखे है, तो चलो फटाफट से मैं इनको बनाकर दिखाता हूँ आपको। ये कुछ ऐसी चीजें जिसमें हम पौधे लगाएंगे ताकि और भी ज्यादा अच्छे लगे, तो मैंने यहाँ पर दो दो लगा दिए इधर उधर और अभी हम और भी लगाने वाले हैं। आगे लगा देता हूँ चल के यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर भी लगा देता हूँ ताकि अच्छा लगे। और राइट यार यही पे लगा देता हूँ, तो चलो इधर भी मैंने लगा दिया एक और थोड़ा सा और भी उधर भी लगाता हूँ, एक यहाँ पर लगा देता हूँ और एक यहाँ पर लगा देता हूँ सामने और दूसरा भी यहाँ पर लगा देता हूँ। आप लोग देख सकते मैंने यहाँ पर 6 लगा दिए हैं और इन समय हम लगाने वाले पौधे भाई देख सकते आप लोग काफी ज्यादा मस्त यहाँ पर होने वाले हैं। ये रेलवे स्टेशन ना काफी ज्यादा मस्त होगा और आपको बताना है कि आपको पहले वाला रेलवे स्टेशन ज्यादा बेस्ट लगा या अभी वाला जो मैंने बनाया हुआ है। तो चलो फटाफट से मेन में भाई पौधे भी वगैरह भी लगा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर भाई कंटेनर लगा देता हूँ ताकि, क्योंकि यार इधर ना कंटेनर पूर्ति हो चुकी है बट अभी उधर नहीं पूरे हुए यार कंटेनर, तो चलो उधर भी मैं लगा कर दिखाता हूँ। मैंने ना उधर की छत तो बना दी और अभी हम लगाने वाले हैं उनमें पौधे जो कि मैंने अभी लगाए थे। यार उनमें पौधे लगाएंगे किस लिए, क्योंकि यार अच्छा लगेगा और कैसे लगाएंगे वो देखो आप लोग। भाई मैंने ना इस पेड़ को आधे से ज्यादा जमीन के अंदर गड़ा दिया है और उसके बाद ये पौधा बन चुका है। आप लोग दोस्तों तो क्या खतरनाक तरीके का भाई, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो पौधे बनाने के लिए, अगर आपके पास पौधे का चिटको नहीं पेड़ का ही पौधा बना दो जैसे मैंने बनाया। तो चलो और भी हम यहाँ पर पौधे लगा देता हूँ फटाक से, सब में लगा दूंगा, 6 यहाँ पर 6 में लगा देता हूँ। मैंने ना अभी रेलवे स्टेशन के साइड साइड में पौधे भी लगा दिए और काफी ज्यादा मस्त लग रहे हैं। और अभी सबसे ज्यादा अच्छा काम जो कि मस्त लगेगा तो हम यहाँ पर लगाने वाले जाली जी। और दोस्तों आप लोग देखोगे जो हमारी W3 से वॉल आती है ना वो होती है ये जाल वाली, तो इसको फटाक से मैं अभी लगाने वाला हूँ और भी काफी ज्यादा भी मस्त लगने वाला है भाई। ये जाल लगा करना काफी मस्त लगेगा, तो चलो फटाक से मैं इस जाल को ना चारों तरफ लगा देता हूँ। काफी ज्यादा मस्त लग रहा है यहाँ पर भाई, मैंने जाल भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर लगाने वाले थोड़े बहुत डस्टबिन वगैरह, तो चलो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डस्टबिन को स्पॉन कर देता हूँ। ऑलराइट ये मैंने कर दिया और यहाँ पर हम एक बॉक्स कर देते हैं और ये है इलेक्ट्रिक वाला बॉक्स, इसके अंदर सब इलेक्ट्रिसिटी होती है। एक और मैंने यहाँ पर कर दिया डस्टबिन ओपन स्पॉन और उसके बाद यहाँ पर भी हमने एक पता नहीं क्या है। तो अभी हमारा फाइनली एक साइड का रेलवे स्टेशन ना काफी ज्यादा कम्प्लीट हो चुका है, मतलब भाई काफी ज्यादा मस्त भी लग रहा है और फुल्ली कम्प्लीट हो चुका है। तो मैं आपको लास्ट में फुल्ली दिखाने वाला हूँ मैंने इसमें क्या क्या किया। अभी मैं आ चुका हूँ दूसरी साइड में और यहाँ पर भी हमको वो सेम ही जाल वगैरह लगाने होंगे और इधर डस्टबिन वगैरह भी लगाने होंगे फुल्ली। चलो लगाता हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोग प्लीज भाई लाइक जरूर से मार देना इस वीडियो पे। रेलवे स्टेशन भाई पूरा का पूरा कंप्लीट करते हैं और काफी ज्यादा मस्त दिख रहा है। मैं सोच रहा हूँ उससे पहले भाई आगे ना थोड़ा सा रेलवे स्टेशन के आगे मैं लाइटें लगा देता हूँ ताकि मस्त लगेगा यार। तो अभी मैं लगाने वाला हूँ रेलवे स्टेशन के आगे थोड़ा सा लाइटें, तो चलो भाई चारों तरफ लगा देता हूँ। हमारा जो न्यू रेलवे स्टेशन है वो बनके तैयार है, तो चलो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने अपना रेलवे स्टेशन किस तरीके का बनाया है। और हाँ जिसको भी अच्छा लगता है वो इस वीडियो पे लाइक जरूर से मार देना। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लाइटें भाई कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है, यहाँ से जब ट्रेन निकलेगी भाई काफी ज्यादा ही मजा आएगा भाई। ये तो मुझे काफी ज्यादा बेस्ट लगी और आपको कैसे लगी मुझे बता सकते हो। तो चलो अभी मैं दिखाता हूँ आपको मेरे रेलवे स्टेशन किस तरीके का है। सामने से आप लोग देख सकते हो यार काफी ज्यादा मस्त लग रहा है यहाँ पर भाई
कंटेनर से बनाया है, तो जो कुछ है भाई सब मैंने लगा दिया रेलवे स्टेशन बनाने में ताकि बहुत ही ज्यादा मस्त लगे। तो चलो भाई सबसे पहले आपको लाइटें देखने को मिलेगी, उसके बाद पौधे देखने को मिल जाएंगे, ग्रीनरी, एंड उसके बाद अंदर एंटर करोगे तो भाई साहब ये तो काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। यहाँ पर डब्बे वगैरह रख दिए हैं और यहाँ पे जाल वगैरह लगाया ऊपर, भाई छत भाई कंटेनर से लगाई हुई है भाई आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर डस्टबिन वगैरह जाल वगैरह नीचे भी फ्लोर मैंने बनाया है, काफी ही ज्यादा मस्त लग रहा है हमारा रेलवे स्टेशन। और साइड में ट्रेन खड़ी हुई है तो भाई अलग ही लेवल भाई। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, तो इधर से भाई आप लोग जा सकते हो ट्रेन के अंदर, नहीं इधर से नहीं जा सकते, जब ट्रेन आगे जाएगी तभी आप लोग बैठ पाओगे। तो इधर हमने बढ़ाएंगे सीढ़ियां यार भाई, चलो मैं अभी आपको सीढ़ियों पर भी चल के दिखाने वाला हूँ। तो चलो फटाक से भी हम सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर। और हाँ गाइस, जो भी हमारे आरजे चूल के अंदर जो भी चीजें होती है उनसे सबसे मैंने रेलवे स्टेशन बना दिया है, तो ये आपको कैसा लग रहा है प्लीज से बता देना। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो मैं जा सकता हूँ सेकेंड प्लेटफॉर्म पर, और नीचे खड़ी हुई है ट्रेन जिसके ऊपर अगर हम कूदते हैं ना तो हम गिर जाएंगे और क्या होगा। तो चलो गाइस मैं आ चुका हूँ भाई दूसरे रेलवे स्टेशन पर, नहीं प्लेटफॉर्म पर दूसरे आ चुका हूँ। और गाइस इधर भी हमने सीढ़ियां लगा रखी है जो कि काफी ही ज्यादा मस्त है, और इधर भी हमने वही वाले जाल वगैरह लगा रखे हैं जो कि काफी ही ज्यादा मस्त है। तो आपको ये कैसे लग रहा है बता सकते हो मुझे। और जैसे हमने जगह छोड़ी है निकलने के लिए क्योंकि आपको सुसु वगैरह है, तो आप लोग कहां से जाओगे, सामने से थोड़ी ना पीछे से निकल जाओ भाई कराओ के जाके। तो चलो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ हमारी रेलवे स्टेशन में ट्रेन कैसे आकर जाती है। तो ये आ रही है भाई जी ज्यादा खतरनाक तरीके की, ये निकल गई। ओ भाई साहब यार काफी ज्यादा मस्त लग रही है यार, आपको ये रेलवे स्टेशन कैसा लगा प्लीज से कमेंट करना। तो चलो यार हम भी तो चला कर देख लेते एक बार कि भाई कैसा फील आ रहा है। तो ऑलराइट जैसे भी मैं बैठ चुका हूँ इस ट्रेन के अंदर, और अभी हम चलने वाले न्यू वाले रेलवे स्टेशन पे। अभी मैं आ चुका हूँ पुराने वाले रेलवे स्टेशन से सीधा न्यू रेलवे स्टेशन पे, और अभी हमारे दो दो स्टेशन हो चुके हैं। और इस स्टेशन का नाम क्या रखना चाहिए प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करना। तो चलो गाइस अभी मैं एंटर करने वाले अपने न्यू रेलवे स्टेशन के अंदर। ऑलराइट गाइस ये चेक करो यार, अभी मैंने ना यहाँ पर ट्रेन नहीं रोकी हुई है, मैं सीधा जा रहा हूँ। और ये लाइटों का गेट भाई काफी ज्यादा मस्त लग रहा है यार, भाई काफी ज्यादा मजा आ चुके भाई मुझे यहाँ पर चला करिए। चलो गाइस अब आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट करो कि गाइस आपको ये हमारा न्यू ट्रेन स्टेशन कैसा लगा, फटाफट से कमेंट करो। और उसी के साथ यार यहाँ तक वीडियो में पहुंच चुके हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर से मार देना, और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि आपको चैनल पे बहुत ज्यादा खतरनाक वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं आपसे एक न्यू खतरनाक वीडियो के साथ, बात तब तक के लिए बाय बाय।